लोनलीनेस इज अ कर्स और अ बून। अकेलापन चमत्कार है या श्राप, ये निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। दुनिया के 10% लोग जो दुनिया के सबसे बड़ी हस्तियों में आते हैं, वो अपनी जिंदगी के ज़्यादातर हिस्सों में अकेले रहे हैं। उसी अकेलेपन ने उन्हें रोशनी दिखाई है, उसी अंधेरे का वक्त जो आप कहते हैं अकेलेपन को, उसी अंधेरे के वक्त ने, उसी अकेलेपन ने उन्हें रोशनी दिखाई है और उनकी ज़िंदगी का मकसद उन्हें बताया है। इसे ऐसे समझते हैं, अकेलापन जब शुरू होता है उसके शुरुआती स्टेजेस में वो एक कर्स होता है। अकेलापन उसके शुरुआती स्टेजेस में एक कर्स होता है, मतलब अकेलापन जब उसकी शुरुआत होती है तो वो एक श्राप होता है। हमें अकेला रहना पड़ता है, हम समझ नहीं पाते ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या गलतियां हमसे हुई हैं और क्या चीज़ें हम ऐसी कर चुके हैं, ऐसी हमसे हुई हैं कि हमें आज ये श्राप मिला है। ऐसे हम सोचते हैं। कभी कभार ज़िंदगी में चीज़ें हमारी वजह से नहीं होती, दूसरों की वजह से भी होती हैं और हाँ हमारी वजह से भी होती हैं, लेकिन जिन लोगों के केस में उनकी वजह से कोई गलतियां नहीं हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि उनकी वजह से शायद कुछ उनसे हुआ हो जिसकी वजह से वो इस श्राप उसमें अटक गए हों, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे उस वक्त से निकलते हो, आप सब्र रखते हो, उस अकेलेपन, उस लोनलीनेस को हम एक बून में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे एक वरदान में बदल सकते हैं। चीज़ों को बदलना जिंदगी की फितरत रही है। बदलाव इज अ साइन ऑफ लाइफ, चेंज इज द साइन ऑफ लाइफ। हम बचपन में जैसे थे बड़े होने पे वैसे नहीं होते, हम बड़े होते हैं तब जैसे होते हैं वैसे बुढ़ापे में नहीं होते, हम हमेशा बदलते जाते हैं, बदलती हैं, हालात बदलते हैं, सब कुछ बदलता है और इसीलिए हमें भी बदलना होगा। बदलाव समय के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसी चीज़ में बदलाव नहीं कर पाते तो आप वहीं स्टक होके अटक के रह जाते हैं और उस वक्त आप बिल्कुल अकेले होते हैं और आपके साथ कोई नहीं होता और आपके हालातों को समझने वाला कोई नहीं होता, वही हालात को श्राप जैसे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आप अपने आप से उभरते हैं तो आप एक बेटर पर्सन, एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ निकल के बाहर आते हैं, आपको चीज़ें साफ दिखाई देने लगती है, ख़ासकर जब आप अपनी गलतियां पहचानने शुरू कर देते हैं और आपसे क्या नहीं हुआ है, जिसका इल्ज़ाम आप पे आ रहा है, वो सभी चीज़ें हम एक चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते। हम, मैं, आप, हम सभी की बात कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ से, उस फेस से, उस अकेलेपन से, जैसे हम श्राप कह रहे हैं उस स्टेज में, अगर हम उससे कुछ वक्त के बाद, थोड़े सब्र, थोड़ी हिम्मत के बाद बाहर आते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो हम उसे निसंदेह वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम वरदान में बदल सकते हैं। चीज़ों की तरफ फोकस रख के, हमारी लाइफ में पर्पस ढूंढने की तरफ हमारा फोकस ले जाकर लोनलीनेस को बून में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे समय में एक सवाल आता है कि जब स्टार्टिंग स्टेज होता है अकेलेपन का, जिसे हम श्राप कह रहे हैं यहाँ पर, क्या वो डैमेजिंग है? तो हाँ, सभी केस में ये डैमेजिंग है, डैमेजिंग होता ही है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई मुश्किल का सामना ना किया हो, जाने अनजाने में ही सही वो उन्हें करना ही पड़ता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां ही देखी हो, कोई नहीं।
हम पे है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं। अकेलापन इसे हम श्राप से एक वरदान में बदलने में थोड़ा सा ही समय लगेगा। हम हमारी पॉजिटिव सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे लोनलीनेस में, खुद की डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, खुद को ग्रो करने में यूज कर सकते हैं। हम जो जिंदगी में नहीं सीख पाए वो हम उस वक्त में सीख सकते हैं। जो करना है जिंदगी में वो हम कर सकते हैं, बस एक पहल की देर है। अकेलापन श्राप नहीं है, अकेलापन एक वरदान है। जो लोग अभी श्राप समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं गलत होऊंगा, लेकिन जो उस चीज से निकल आए हैं, जो उस चीज को सब्र से, हिम्मत से, यकीन से हरा कर वक्त में पीछे छोड़ आए हैं, उन्हें समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अकेलेपन को अच्छाई में इस्तेमाल करें, अपनी खुद की डेवलपमेंट में इस्तेमाल करें, फिर देखिएगा हम कैसे आसमान चीरते हैं और उड़ान भरते हैं। जब बारिश होती है सारे चिड़िया कौवे सब आसरा ढूंढने इधर उधर भटकने लगते हैं, कहीं रुक के बैठ जाते हैं कि बारिश थम जाए तो हम फिर से उड़ने लगे। लेकिन जब चील ये सब देखती है तो वो और ऊंचाई पे उड़ने लगती है। यही फर्क होता है, हमें बस परिस्थिति सिचुएशन का मुआयना लेना है। हमें जो करना है वो हम वो उसे कर गुजरेंगे। तो लोनलीनेस इज अ बोन।